हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्री कॉन्सेप्शनल वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको उससे पहले कौन कौन से वैक्सीन लगवाने चाहिए और क्यों लगवाने चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये वैक्सीन इसलिए लगवाए जाते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी टिकने में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही साथ आपके बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो। इसमें जो सबसे पहला वैक्सीन है वो है फ्लू का वैक्सीन, इसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी बोलते हैं। फ्लू के वैक्सीन को हर साल फ्लू के सीजन के शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले लगवाया जाता है। फ्लू में आपको बुखार, ठंडी लगना, खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द, उल्टी या फिर डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो प्री टर्म लेबर पेन या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट जो इस लाइन में वैक्सीन आती है वो है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। ये वैक्सीन आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको जेनाइटल वार्ड्स या फिर सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है MMR का वैक्सीन। ये आपको मेजल्स, मम्प और रूबेला जैसे इन्फेक्शन से बचाता है। मैक्सिमम लोगों को ये जो वैक्सीन है वो बचपन में ही लग जाते हैं, पर बहुत लोगों को याद नहीं होता कि उन्हें लगा है या नहीं लगा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको इसका टाइटर टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका टाइटर कम आ रहा है तो आपको ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि जो रूबेला इन्फेक्शन है इससे मदर में तो सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, प्रीटर्म लेबर पेन या फिर बर्थ डिफेक्ट जिसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से भी बोलते हैं, जैसी प्रॉब्लम होने का मैक्सिमम चांस रहता है। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आप कम से कम 1 महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करें। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है वेरिसेला का वैक्सीन। ये आपको चिकन पॉक्स नामक इन्फेक्शन से बचाता है। चिकन पॉक्स जो है हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है और अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो मदर के साथ साथ, मदर को तो कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं, उसके साथ साथ बेबी में भी बर्थ डिफेक्ट या फिर स्टिल बर्थ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन। यह आपको और आपके बच्चे को हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन से बचाकर रखता है। इसके अलावा आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के स्पेसिफिक इन्फेक्शन के रिस्क को देख के डॉक्टर आपको वैक्सीन एडवाइज करते हैं, जैसे मेनिनजाइटिस हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, टाइफाइड हो गया, येलो फीवर हो गया। तो अगर आपके डॉक्टर ये सब वैक्सीन आपको एडवाइज कर रहे हैं तो आप उसे बिना देर किए लगवा लें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ स्पेशल वैक्सीन्स लगवाना आपके और आपके बेबी दोनों के लिए ही सही डिसीजन है। तो वैक्सीन लगवाएं। हैप्पी एंड सेफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।